विधायक अशोक जी डोगरा और मेरे साथ आए हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश जी मेघवाल और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र जी मेरे मंच पे इस मंच पे बैठे हुए और आसपास बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता मोर्चा के कार्यकर्ता और अधिकारीगण और मेरी इतनी भारी संख्या में आई हुई सब माता बहने आप सबको और साथ में यहाँ सब भाई और बुजुर्गगण बैठे हुए हैं उन सबको मैं झुककर प्रणाम करना चाहती हूँ कि आप ब्यावर वालों की तो याद क्यों हमेशा रहती है बताओ हमेशा रहती है इसलिए कि आप यहाँ की जो तेलपट्टी बनती है वैसे जब भी कोई लुभाना चाहता है ना वो तेलपट्टी का वो बत्ता मेरे पास लेके आ जाता है बहुत आराम से आ जाती है बातों में यहाँ की तेलपट्टी तो इतनी फेमस हो गई है कि दुनिया के लोग क्योंकि अब मेरे घर में सबको कहती हूँ कि भाई एक ही जगह है और ऐसा किसी ने कभी खाया नहीं है तो ये एक दफा मौका ले लो और जो भी आता है वो मेरे को यही कहता है पतली पतली सी जो चीज आपने खिलाई थी वो पतली पतली सी चीज का एक बच्चा हमारे पास भेज दो मेरे पास तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं आप लोगों के इस तिलपट्टी के तो इसलिए एक तो ये ऐतिहासिक भूमि इस तिलपट्टी का जो यहाँ स्मॉल इंडस्ट्री जिसको कहते हैं उसकी भूमि और इसीलिए ब्यावर का एक स्पेशल स्थान मैं आप लोग सबको ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि आज के कार्यक्रम में ये मेरा चौथा चरण का आधा जो हिस्सा रह गया था तो उसकी शुरुआत हम लोगों ने करीबन 4,500 किलोमीटर से पूरे किए और पूरे क्षेत्र के अंदर जहां जहां से मैं दौरा करते हुए आ रही हूँ वहां इसी तरीके से सब लोगों ने प्रोत्साहित किया ऊर्जा पैदा करने की कोशिश की और मेरे को सबको सबने ये कहा कि गांव में सबके बीच में घूमो महिलाओं के बीच में जरूर जाओ और उनकी जो वहां की समस्या है उसको सुनने की कोशिश करो क्योंकि तो इतने दिन हो गए कोई आने का नाम नहीं लेता है और अब आपने दौरा शुरू कर दिया तो बहुत सारे लोग दौड़ दौड़ के वो दौरा कर रहे हैं अब ब्यावर के लिए तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने पता किया तो बताया कि गांव के लिए जो मैंने 150 करोड़ रुपए की पेयजल योजना स्वीकृत की थी हमने ये सोचा था कि जल्दी से जल्दी बन जाएगा तो यहाँ आप लोगों को सबको बहुत फायदा हो जाएगा मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये योजना पूरी हुई क्या मुझे ये बताया जाता है कि हमारी ये योजना चुनाव के तुरंत बाद ठप हो गई और अब जब चुनाव का टाइम आ गया तो फिर से उसको जिंदा करने की कोशिश की और अब उसका आकार वहां 150 करोड़ जो था अब वो 250 करोड़ हो गया है वो भी जनता का पैसा अगर ये पहले बन जा गया होता तो मैं समझती हूँ कितने कितने सारे लोगों को उसका फायदा मिल जाता और आज अगर ब्यावर शहर पानी पी रहा है तो याद रखिए कि 2003 से लेकर 2008 के अंदर हम लोगों ने चला के जो 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति की थी उस स्वीकृति की वजह से आपकी टंकियां और पानी का इंतजाम हमने किया उन्होंने काम कुछ भी नहीं किया अभी अभी आपके एमएलए साहब ये कह रहे थे सूरत अब मेरी बात सुन लो मेरी बात सुन लो ये जरूरी है कि आप लोगों के ध्यान में ये सब बातें आ जाए सूरत घाटा फीडर सिंचाई योजना के लिए 1 करोड़ रुपए की लागत से हम लोगों ने काम चालू किया था इस बार करीबन 75% काम भी पूरा हो गया परंतु कांग्रेस की लापरवाही देखिए कि 25% काम जो बचा हुआ था अगर 4.5 साल के अंदर उसी को पूरा कर दिया होता तो कितने सारे पंचायतों को इसका लाभ होता वो आप अच्छी तरह से सब लोग जानते परंतु काम करने की आदत ही नहीं है इस सरकार के अंदर और मैं आप लोगों को चला चला के याद दिलाना चाहती हूँ कि जो काम अभी तक खत्म हो जाने चाहिए थे अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली होती तो मैं समझती हूँ कि वो काम भी पूरे हो जाते ब्यावर शहर के अंदर 4 से 5 घंटे के लिए बिजली चले जाने की आम बात होती है ये बात सही है क्या बिजली आराम से आप लोगों को मिलती है क्या शहर के अंदर नहीं मिलती है और गांव के अंदर तो मुश्किल से 5-7 घंटे वो भी महिला वाला जो फीडर है उसके ऊपर मिलता है और जो आपको खेतों के लिए बिजली मिलती है वो मुश्किल से 2 या 3 घंटे मिलती है और अगर आपका पुराना खासा वो खराब हो जाता है ट्रांसफॉर्मर तो दो दो महीने लग जाते हैं वो ट्रांसफॉर्मर बाहर
घंटे में नहीं आता माता देने, अब वो एक एक दो दो महीने के अंदर आता है, और वो भी रिश्वत बिना नहीं आता। 10-12 हजार रिश्वत, 20 हजार रिश्वत जब तक नहीं होती तब तक वो आता नहीं है। इसके साथ ही मैंने अभी पता करने की कोशिश की कि किसानों को कृषि कनेक्शन मिल रहे क्या। अब भाई आप लोग सब बैठे हो यहाँ, कृषि कनेक्शन आप लोगों को मिल रहे क्या जो पुरानी लाइन में बैठे हो? किसी को नहीं मिले क्या? नहीं मिले। मैंने जहां जहां पता किया ये स्थिति जो आती है वो सब दूर 4 संभाग क्षेत्रों के अंदर ये स्थिति मुझे अभी तक मिली है। 2008 की जो प्रतीक्षा सूची की और जिन्होंने डिमांड राशि अपनी जमा कर दी है उन लोगों के आज दिन तक उनको कनेक्शन नहीं मिले। अभी मैं सवाई माधोपुर में थी तो भाइयों मैं आपको बताना चाहती हूँ माता है कि एक बेचारा गरीब मेरे को मिल गया, उसके ये कंधे पर लटका हुआ था मीटर और हाथ में था बिल, और उसने मेरे को बिल दिखा के कहा कि मीटर तो मेरे कंधे पे, बिल मेरे हाथ में, कनेक्शन नहीं, और मुझे बताओ आप मुझे क्या करना है। तो आज उसी रात को हम लोगों ने बात की, ये क्या तमाशा, आपने कनेक्शन नहीं दिया है, उसका मीटर नहीं लगाया है, उसके 5,000 का बिल उसके हाथ में पकड़ा दिया। और ये तो वो कह रहे हैं मुझे लोग कि ये तो बेचारा अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग अगर पूछोगे तो कई लोग अपना हाथ ऊपर करके कहेंगे कि हमारे साथ भी यही बात हुई। क्या ये सही है? क्या ये सही है? आप लोगों को मिल रहा है ऐसे? कईयों को मेरे हिसाब से हुआ है, जो सवाई माधोपुर के अंदर मिला उसी तरीके से मुझे यहां भी मिला है। ब्यावर का अस्पताल आप लोग सब जानते हो कि आप लोगों ने मेरे पीछे पढ़ पढ़ के पहले तो बर्न यूनिट की बात की, उसके बाद ट्रोमा वार्ड बनाया, उसके बाद ब्लड बैंक का इंतजाम किया, उसके बाद सीटी स्कैन जैसी सुविधाएं आपने मेरे पीछे पढ़ पढ़ के अपने अस्पताल के अंदर कराए कि नहीं कराए, पूरे आप लोगों ने मिलकर किया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अस्पताल में 25 डॉक्टर के पद खाली पड़े हुए हैं, 25, और सीनियर स्पेशलिस्ट में 8 में से 7 जो पद है वो खाली पड़े हैं माता बहने, और 5 सर्जन जहां होने चाहिए थे वहां खाली 2 सर्जन चल रहे हैं, और स्त्री रोग के विशेषज्ञ और रेडियोलॉजिस्ट तो है ही नहीं। तो आप बताओ किस अस्पताल के अंदर हम लोगों ने इतनी सारी सुविधाएं दी थी, आज वो सुविधाओं को बिल्कुल कैंसिल करके खत्म करके उस अस्पताल की महत्व जो था उसको खत्म करने की पूरी कोशिश इन लोगों ने की है। ब्यावर शहर के अंदर नए सड़कों की कितनी बदहाली हो रही है, कितनी बदहाली हो रही है नए सड़कों की, मैं देखती चली आ रही थी तो मैंने देखा कि हमारे समय में जो भी सड़कें बनी थी वो तो यथावत है, और इन लोगों ने जो बना ली उन सड़कों के अंदर 6 महीने के अंदर ही मुसीबत हो गई, जो डामर था वही डामर उठ पड़ा। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये लोग इतना पैसा खर्च भी करते हैं, उस खर्च का पैसा खा भी लेते हैं, और वो सब जो जनता के पास पहुंचना चाहिए माता है बहने पहुंचना ही नहीं। अब मैं पानी के बारे में आप लोगों को कुछ कहना चाहूंगा, मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को माता है बहने कि ये तय हुआ है और ये कहा गया है कि जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग के जो मंत्री थे उन्होंने दिल्ली में जाकर यह स्वीकार किया कि राजस्थान के 32,000 गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। कितने माता मैंने 32,000 गांव के अंदर, और उनका यह कहना है कि राजस्थान के अंदर हम अच्छा पानी देते हैं। ये 4-5 दिन मैंने पहले देखा तो अखबार के अंदर यह आया कि मंत्री ने यह कहा कि पानी की समस्या कहीं भी नहीं। अब माता बहने आप बताओ आपको पानी मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा ना, तो आपको पानी नहीं मिल रहा, और मंत्री कहता है कि कोई समस्या ही नहीं राजस्थान के अंदर। दिल्ली जाता है तो बोलता है कि 32,000 गांव के अंदर हम पानी अच्छी तरह से दे नहीं पाए हैं, मानता है। और मैंने अभी ये कहा कि 2011 और 12 के अंदर 330 करोड़ रुपए सरकार को मिले थे सिर्फ पानी के लिए, उसमें से 306 करोड़ रुपए लैप्स हो गए माता ने, खाली 24 करोड़ रुपए उस पूरे साल में इस्तेमाल किया गया। पैसे की कमी नहीं थी, पैसे की कमी नहीं थी। और ये देखिए 12-13 के अंदर 600 करोड़ रुपए मिले, उसमें 582 करोड़ रुपए वापस हो गए, खाली 29 करोड़ रुपया इस सरकार ने इस्तेमाल किया उसके ऊपर जो आपके और हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है। अभी 2013 और 14 के अंदर 1300 करोड़ रुपए उनको मिले, और उसमें से अभी तक 56 करोड़ रुपए का ही इस्तेमाल हुआ है,
एक दो महीने के अंदर आपकी आचार संहिता लग जाएगी और करीबन 1240 करोड़ रुपए ये फिर वापस हो जाएंगे। तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि क्यों नहीं इसका उपयोग हुआ है? इसलिए नहीं हुआ है कि इच्छा शक्ति की कमी है, ये इसलिए नहीं हुआ है पूरी सरकार अक्षम है, तो इसलिए नहीं हुआ है कि ये प्रशासनिक असफलता है, बिल्कुल आपको देखने को मिल रही है। प्रशासन कहता है किसी को चिंता ही नहीं है कि आगे चल के आप लोगों का क्या होता है, और रोज रोज नई बात कहते हैं, परंतु तो जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं अगर वो ही हमको नहीं दिलवाएंगे तो फिर ये सब अनाउंसमेंट करके, चुनाव के ऊपर अनाउंसमेंट करके कोई मतलब ही नहीं। मैं अभी देख रही थी क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, आपके स्कूल में टीचर है क्या? भारी कमी, जो मेरे पास आ रही है रिपोर्ट, भारी कमी है। और यहाँ तक ग्रामीण लोग इतने नाराज हुए कि कई जगह के ऊपर उन्होंने जाके स्कूलों के ऊपर ताला लगा दिया, क्या ये सही है? कई जगह के ऊपर उन्होंने जाके ताला लगा दिया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि रोजगार के क्षेत्र के अंदर यहाँ कोई महालक्ष्मी मिल है? है क्या महालक्ष्मी मिल? उन्होंने आप लोग सबको सपना दिखाया कि ये महालक्ष्मी मिल को हम चालू करेंगे, करा था कि नहीं? अब महालक्ष्मी मिल चालू हो गया? यह है कांग्रेस की आदत। आज दिन तक उन लोगों ने जो वादा किया है उस वादा पूरा करने का नाम न निशान, परंतु हम लोगों ने अपने सड़कों का द्वारा क्या कितना अच्छा विकास किया वो आपको समझाते हो। किशनगढ़ ब्यावर फोर लेन कैसी उपलब्धि है बताओ, आप लोगों को पसंद आया? कितना अच्छा रोड है, ठीक है। राजस्थान
घोटाला हो रहा है। 13,000 करोड़ रुपए कहां चले गए कोई नहीं बता पा रहा है। 26 लाख लोगों को हम लोगों ने अपने समय में नौकरी दी थी और उन्होंने जो परिसंपत्तियां बनाई आज राजस्थान उनकी वजह से पड़ा। उनको सबको 100-100 रुपए समय भी मिला। और मैं पूछना चाहती हूं कि आज सिर्फ 1,25,000 लोगों को नौकरी मिल रही है, 1,25,000, और उनको कितना पैसा मिलता है? किसी को 30 रुपया, किसी को 22 रुपया, मुश्किल से 40 रुपया, और एक जगह पे तो मजाक था उसको 1 रुपया मिला, सिर्फ 1 रुपया। क्या कर रहे हैं, किससे मजाक कर रहे हैं? और फिर आते हैं हमारे पास कि हमको वोट दो। अब रेवड़ी बटने का टाइम आ गया, 4-4.5 महीने बच गए, अब लगा कि हमको क्या होने वाला है। तो हवड़ दबड़ के अंदर नौकरियों को भी, आपको क्या चाहिए बोलो बोलो बोलो, नौकरी चाहिए वो भी मिल जाएगा, दूध की नदी चाहिए वो भी हो जाएगा, सोने का महल खड़ाना करना है वो भी लगा देंगे, आप बस बता दो हमें क्या चलना है, रेवड़ी बट रही है। माता बहने मैं आपको सबको याद दिलाऊं, 2007 के अंदर भामाशाह की योजना आप लोगों के लिए सबके लिए हमने बनाई थी, 870 करोड़ रुपए हमने अलग से रखे थे, उसके 150 करोड़ रुपया बैंक में आज के दिन भी है। और हमने ये तय कर लिया था कि 50 लाख लोगों को उनकी महिलाओं द्वारा बैंक अकाउंट खुलवा करके 1,500 रुपए का प्रोत्साहन राशि देकर हम ये बैंक अकाउंट के अंदर सब किस्म के पैसे डलवाएंगे। एक कार्ड देंगे जिस कार्ड के ऊपर 30,000 रुपया स्वास्थ्य बीमा के हिसाब से आपको मिलेगा और उसमें पेंशन वेंशन सब आ जाएगा, उसमें एससी के एसटी के बीपीएल के और उसमें लघु और सीमांत कृषकों के लिए हम सब कुछ करने को तैयार थे। अब ये सब तैयार हो गया था, अगर 2008 के अंदर से वो स्कीम चालू हो जाती तो आज दिन तक आप लोगों को पेंशन, आप लोगों को अलग अलग किस्म के पैसे, सब कुछ मिल जाता। पर 4.5 साल आप वंचित रहे और आप रेवड़ी बांट रहे। क्यों बांट रहे जी, क्या कह रहे हैं? और मेरे को कहते हैं ऐसा ही कहती है और वैसा ही कहती है। मैं एक एक शब्द जो आपके सामने कहती हूँ उसका पता करके समझ के आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि मैंने आज दिन तक कभी भी किसी का वोट पाने के लिए झूठ नहीं बोला। आप लोगों की इज्जत को बनाए रखा और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सच्चाई है वो हमारे इस परिवार के बीच में आना चाहिए, क्योंकि हमारा जब परिवार तय करेगा, जब 36 के 36 लोग तय करेंगे, जब सब मजहब के लोग उसको तय करेंगे, जब प्यार के साथ एक राजस्थान का परिवार एकत्रित होकर तय करेगा कि हम लोग विकास में लगेंगे, तब राजस्थान का विकास होगा होगा होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। परंतु हमको तय करने की जरूरत है। और कांग्रेस की तो आदत है कि झगड़ा करा के रखो। आज 55 साल राज किया है, जात जात को लड़ाओ, मजहब मजहब को लड़ाओ, एक दूसरे के बीच में झगड़ा करा दो, झगड़ा हो जाएगा तो हमारे वोट पड़ेंगे और हम आराम से अपने प्रदेश को चलाएंगे। 55 साल चला लिए, अब बहुत हो गया। हमारे समय के अंदर नौकरियों की कोई कमी नहीं थी, करीबन 10 लाख नौकरियां हम लोगों ने दिलवाई, जिसमें गैर सरकारी और सरकारी नौकरियां थी। सब बच्चों को हमने ये कहा था कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनको नौकरी देने का काम इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। 8-4.5 साल में नौकरियों का काम नहीं किया, अब हवड़ दबड़ में जल्दी जल्दी दे दो, जिसको दे सकते हैं दो, जैसे भी कर सकते करो। मैं नहीं समझती नहीं कर पाएगा कोई, क्योंकि प्रदेश को व्यवस्थित तरीके से चढ़ने की बात है। आज मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि ये मदरा क्षेत्र थी, इस मदरा क्षेत्र ने बहुत सारा प्यार दिया और जाते जाते मैंने ये भी कहा कि मदरा क्षेत्र को एक बोर्ड बनाएंगे, एक हम उनको पैसा देंगे और उसका अध्यक्ष हमने मदन जी रावत को बनाया। हमने ये सोचा कि आने वाले टाइम के अंदर इस बोर्ड के द्वारा हमारे काम होंगे। आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि पिछले 4 साल से बोर्ड का तो अध्यक्ष ही नहीं बना, अध्यक्ष बन जाता तो हो सकता है कि बहुत सारे काम हो जाते। ये सब चीजें हमारे सामने हैं और मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि ये किसी से छिपी नहीं है, बस आप लोगों से मैं ये पूछना चाहती हूँ। गुलाब जी के पीछे पड़ गए, सीबीआई लगा दी, और हमारे लोगों के पीछे पड़ गए, सीबीआई लगा दी, हम लोगों के पीछे पड़ेंगे, सीबीआई लगा देंगे, आप लोगों के आएंगे, धमकाएंगे, डराएंगे, गांव के अंदर आपको मसकने की कोशिश करेंगे। ये काम करना अगर हमको है, अगर हमको आगे बढ़ के विकास करना है तो उस विकास के अंदर हमको हिम्मत से खड़ा होना पड़ेगा। आप में उसकी हिम्मत है क्या? क्या हिम्मत है? क्या आपकी हिम्मत है? क्या पैसा ले लो, ये
राज्य पद्धति मंत्री को बताओ कि नरेंद्र और अगर नरेंद्र की तैयारी है और एक जोरदार नारा मेरे साथ कि हम बनाएंगे एक नया राजस्थान, हम एक ऐसा राजस्थान बनाएंगे जिसमें हमारी महिला अपने मजबूती के साथ सुरक्षित होकर चलेंगी, हम बनाएंगे एक नया राजस्थान जिसमें हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी और जो समृद्ध होकर राजस्थान के विकास में जुड़ेंगे, हमें चाहिए एक ऐसा राजस्थान जिसमें हमारा किसान मजबूत होगा, उसको समय पे बिजली मिले, पर्याप्त बिजली मिले, उसको पानी अच्छी तरह से मिले। और मैं माता बहने आपको सबको ये कहना चाहती हूँ कि सरकार अपनी आती है तो सबसे पहले पानी का काम, पर्याप्त काम, सिंचाई का और पीने के पानी का, ये हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से करके आप लोगों को देंगे, तो बताएंगे कि हो सकता है, जो खाली इच्छा शक्ति की बात हम लोग करेंगे। एक ऐसा राजस्थान जिसमें उस किसान को बीज भी मिले, खाद भी मिले, एक ऐसा राजस्थान जिसमें किसान को आगे रख के हम लोग अपना विकास करें। मैं पूछना चाहती हूँ किसान भाइयों को कि मैंने पढ़ा है अखबारों में कि आपको पाले का और आपको ये ओलावृष्टि का जोरदार मुआवजा मिला, नहीं मिला तो खाली पेपर पेपर में लिखा, हमने तो पेपर में पढ़ा था। फिर मुझे ये बताया कि किसान भाइयों को 1,50,000 का ऋण जिसके पीछे कोई भी ब्याज नहीं होगा मिला आपको, अब हम लोग बात कर रहे हैं ना, हो सकता है कि जल्दी जल्दी आपके पास दौड़ दौड़ के ये भी करा दें। मैं सबके सामने जितनी कह सकती हूँ कह देती हूँ ताकि कोई, और बहुत सारी जगह में काम करना शुरू हो गया है, इसलिए मैं कह रही हूँ आपको, आप कह रहे नहीं मिला, यदि तो नहीं मिला, अच्छा ये बताओ कि आपके क्षेत्र के अंदर आप लोगों ने मेरे को ये कहा है कि किसी भी तरीके से हम लोगों को कॉलेज कॉलेज की तरफ क्या चाहिए था, महाविद्यालय वहां तक तो चलो, पहले ये तो कर लो अपन जो अपने काम ही नहीं हुए हैं, सबसे पहले ऐसी सरकार को हटाने का काम करने की तैयारी में होगी नहीं, तभी कर सकते जब सरकार अपनी होती है, फिर बैठेंगे आपके साथ बैठेंगे सब लोग मिलकर देखेंगे। पहले मेरे को हाथ ऊपर करके बताओ कि हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे, अपना विकास करेंगे, अपने बच्चों को नौकरी का इंतजाम करेंगे, हाँ हम लोग करेंगे, और इसलिए जोरदार नारा भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और एक राजस्थान के लिए एक जोरदार नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। हम माताएं बहने एक बहुत बड़ा काम आप लोगों के सिर पे डाल रही हूँ, आपको बहुत सारे प्यार के साथ, बहुत सारे प्यार के साथ इतना ही कह सकती हूँ